आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारों के प्रति लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। दुधवा एक गांव है जो तहसील भारत बागला में 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गांव में ना कोई सड़क है ना ही कोई अन्य सुविधा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो सरकार से लाभ पाने के लिए 1947 से मतदान करते आ रहे हैं, अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई सड़क संपर्क नहीं है जो अन्य बस्तियों, शहरों और अन्य सुविधाओं से हमें जोड़ सके। हम इमरजेंसी के दौरान मरीज को लेकर पालकी में जिला अस्पताल पहुंचना पड़ता है। कई बार मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सड़क के अभाव से हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। यहाँ सड़क का अभाव में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाता है और कोई सरकारी कर्मचारी सड़क के अभाव में समय पर यहाँ नहीं पहुंच पाता। मीडिया से बातचीत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सैयद तनवीर ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की आलोचना की। सैयद तनवीर ने कहा कि कोई साथ, कोई विकास और कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि दुधवा के लोगों के लिए कोई सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत के लोगों के पास पहचान पाने के लिए कार्ड है, यानी आधार कार्ड, लेकिन सरकार हमारी वास्तविक मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जबकि भारत के अन्य नागरिकों को आसानी से यात्रा करने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और सरकार हमें 1947 से 5 किलोमीटर सड़क नहीं दे पा रही है। जी, मेरा नाम सैयद तनवीर है। वो दुधवा से एक पेशेंट को लिया जा रहा था डोडा हॉस्पिटल के लिए, और उसको वहाँ के जो लोग थे, बुज़ुर्ग वगैरह थे, क्योंकि जवान तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, रोज़गार जमा करने के लिए। तो वो बुज़ुर्गों ने उसको उठाया था कानों पे पालकी के अंदर और उसको ले जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए। तो सिर्फ 5-6 किलोमीटर का उनका जो है फासला है रोड तक, उनको बेचारों को मुश्किलात होती है। और हर साल लगभग अभी तक 30-40 सालों से लेकर अभी तक लगभग 40-50 आदमी ऐसे मर चुके हैं जो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, जो टाइम पे किसी रोड या गाड़ी तक नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है और बेशर्मी की बात है हमारे लिए, हमारे उन सियासतदानों के लिए, उन सामाजिक लोगों के लिए जो बहुत बड़े दावे करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए कितनी शर्म की बात है कि वो कितने सालों से कहते हैं हमने डेवलपमेंट की, हमने सड़कें बनाई, हमने रोड्स बनाए, हमने क्या किया, ये किया, आसमान को नीचे उतारा, लेकिन ज़मीन पर देखने को कुछ नहीं मिलता है। 5 किलोमीटर रोड नहीं बना सकते हैं। डिजिटल इंडिया तो हमें लगता है कि अभी कहीं सपनों में है, या कहीं उस पार्लियामेंट के अंदर थोड़ा बहुत लगता है देखने को, या मोदी जी खुद डिजिटल नहीं, वो भी नहीं लगते हैं उस तरह से, क्योंकि जब लोग डेवलपमेंट नहीं, जब लोगों तक वो चीज़ें नहीं फराम होती हैं, वो सोर्स नहीं है, लोग डेवलप डिजिटल नहीं है, तो ये हमारे इलाके डिजिटल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया है। ये तो एक जुमलाबाजी है, जुमला हो रहा है। आप देखें कि वो हम किस हालत से गुजर रहे हैं कि 5 किलोमीटर रोड नहीं हम पा सकते हैं, जहां दावे किए जाते हैं। वही बात मैं कह रहा हूं कि जो पिछली सरकारों ने जो किया, उन्होंने गलत किया हमारे साथ, उन्होंने धोखा दिया हमें, उन्होंने हमारे वोट मुफ्त में लिए, कुछ काम तो किया, लेकिन ये जो डिमांड 30 साल से इसको पूरा नहीं कर सके। लेकिन हम कहते हैं कि आप बीजेपी को भी लगभग 7-8 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ जिसके प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी 5-8 साल हो गए कि वो भी हुकूमत में है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप गवर्नर रूल भी, जिसमें करप्शन होती ही नहीं, जिसमें काम धनाधन होते हैं, डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी इंटरफ्रेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 किलोमीटर रोड नहीं बना सके वो, जबकि 2016 में उसका DPR बनाया गया था। उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने DPR बनाया था 5 किलोमीटर रोड का, 5-6 करोड़ का कुल मसला है, और लगभग यहाँ पे 10 गाँव जुड़े हैं। ये है बगला से दुधवा, खांडेपुरा है, वानीपुरा है, बटमल है, इधर ये दूसरा एक इलाका है, खरखन दुधवा है, ये सब 5-8-10 गांव हैं जो जुड़े हुए हैं उसकी वजह से, जो रुके हुए हैं, डेवलपमेंट उनकी रुकी हुई है, उनका कनेक्शन जो है दूसरे लोगों से रुका हुआ है, सिटीज़ के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, बिल्कुल वो निज़ाम ठप है, यहाँ की तालीम बिल्कुल ठप है, तालीम का निज़ाम ही दरहम बरहम है, बिल्कुल रोड की वजह से, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं पहुँच सकते, इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारे लोग नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या तवक्का कर सकते हैं। आखिर में हमारी डिमांड रहेगी कि कम से कम
हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि मैं भी अब 4-5 साल से मैं भी चला रहा हूँ, हमारे लोग चला रहे हैं, हमारे दूसरे सामाजिक कारकुन जो हैं वो चला रहे हैं, लेकिन हमें BDCs बनाए थे, DDCs बनाए थे, शायद इनकी सुनता कोई नहीं है, इनको ऐसे वो कठपुतली जैसे रखा है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इनको जब पावर दावा किया जाता है, इनको पावर दी जाती है सरपंच DDCs को, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को, इनको जो थीटा सिस्टम, इसको जो पावर है कहीं देखने को नहीं मिलती, उनकी आवाज़ आगे नहीं जाती है, उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती है, वो भी बेचारे लेटर लिखते हैं उधर जवाब नहीं आता, कोई उनकी भी सुन नहीं रहा है, तो ये किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, ये तो लगता है कि इसमें कहीं इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है उन लोगों का जो नहीं चाहते हैं कि हमारी रियासत में ये डेवलपमेंट हो, हमारे लोग तरक्की कर सके, यहाँ जो प्रॉस्पर्टी और जो पीस है यहाँ वो रहे, क्योंकि अब जब लोग बेसिक फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलेंगी तो उन्होंने कुदरती से वो बाहर आएंगे, सड़कों पे आएंगे, चिल्लाएंगे, फिर कुछ भी होता है, फिर लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हमारी डिमांड रहेगी कि कम से कम आप जो पिछला DPR बनाए उसके मुताबिक उस 5 किलोमीटर रोड को बनाएं और इन लोगों को जो है बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फराहम करें, तो हम भी खुश रहेंगे, लोग भी खुश रहेंगे, और सरकार का जो मकसद है, जो एम है यहाँ के लोगों को तरक्की देने की जो बात करते हैं उनको मिले, वरना ये जुमलेबाजी सबका साथ सबका विकास नहीं। आज भी हमारे आपने देखा था वो बुज़ुर्ग 70-75 साल का कंधा लगाया था उसने उस पालकी को जिसके अंदर पेशेंट था, और वो पेशेंट बेचारा अस्पताल नहीं पहुँचा टाइम पर, शुक्र है फिर किसी तरह वो आगे हमने पहुँचाया उसको, मगर उसकी जान बहुत मुश्किल से बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रीट टाइम्स, डोडा।